दोस्तों राजस्थान BSTC के जो छात्र सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहां से आ चुकी है। आप सभी को पता होगा कि विभाग ने अपवार्ड मूवमेंट करवा दिया है छात्रों का, जिससे अब जो सीट खाली पड़ी हुई है उनका कंफर्मेशन फिक्स हो गया है कि कितनी सीटें बकाए हैं और अब सेकंड लिस्ट कब आने वाली है। जो भी अपडेट है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जिन जिन छात्रों ने अभी अपनी फर्स्ट लिस्ट में काउंसलिंग करवाई थी उन्हें कॉलेज मिल चुका है। इसके बाद में जिन छात्रों को अपवार्ड मूवमेंट करवाना था उन्होंने अपवार्ड मूवमेंट करवा लिया है। इसके बाद में अब आपकी बकाया सीटें बचती हैं ना, वो 3500 सीटें से अधिक अभी बची हुई हैं और अब सेकंड लिस्ट कब आएगी ये वाला अपडेट आपके लिए ज़रूर मिलने वाला है। और जिन छात्रों के लिए सेकंड लिस्ट के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं ना, उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात है। कब आएगी सेकंड लिस्ट, कितनी सीटों पर मिलेगा अब की बार आपको नंबर, और जो आपके कितने नंबर हैं उन नंबरों पर क्या सीट आपके लिए मिल पाएगी, कंप्लीट जानकारी वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का क्या अपडेट रहा है वो भी यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आज का अपडेट है, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से विभाग ने बताया है कि 8438 ने भरे थे आवेदन, इतने को प्रथम भरेता का मिला है कॉलेज। प्री DLED अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है कल। 3870 अभ्यार्थियों को नई कॉलेज आवंटित हो चुकी हैं। अब इसमें क्या है नई सीटों का मामला और इसमें जो सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी, कंप्लीट विभाग ने क्या कहा है यहाँ पर देखेगा। DLED एग्जाम 2024 का प्रथम आवंटन अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। 8438 सीटों पर जो अभ्यर्थियों ने सीट अपग्रेड होकर नई कॉलेज आवंटित हो गई हैं, इसमें 294 प्रथम भरेता कॉलेजों का आवंटन हो गया है। अब जिन स्टूडेंटों ने जो अपना काउंसलिंग के बाद में अपवार्ड मूवमेंट करवाया है इसका रिजल्ट 22 तारीख को आने वाला है। जब 22 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएगा तो ये 22 तारीख इनकी लास्ट डेट है। इसके बाद में कॉलेज में जो एडमिशन है छात्रों के फर्स्ट लिस्ट वाले कंप्लीट अपवार्ड मूवमेंट के बाद तक के हो जाएंगे यहाँ पर, फिर रहेगी सेकेंड लिस्ट वाले छात्रों की बात। अब आपको इतना तो पता है कि सेकंड लिस्ट आपकी है 3500 के समथिंग है, 3500 से सेकंड लिस्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है, इतनी सीटें खाली हैं। अब सेकंड लिस्ट तो ज़रूर आएगी, सेकंड लिस्ट पर विभाग ने क्या कहा है वो भी यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेगा आप, यहाँ से देखें सबसे पहले तो 7% अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की थी, अब 3870 अपग्रेड हुए हैं, इनमें 14 से 16 तक तो रिपोर्टिंग पहले हो चुकी है। अब विद्यार्थियों को सर्वाधिक प्रथम भरेता वाले कॉलेज, 3 कॉलेजों को जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें प्रथम भरेता मिल चुकी है। विभाग के डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अपवार्ड मूवमेंट 294 छात्रियों को प्रथम जो भरेता मिला है, प्रथम चॉइस मिल चुकी है। इसके बाद में तृतीय भरेता भी काफ़ी स्टूडेंटों को मिली है और इन्होंने बताया कि 20 अगस्त से 22 अगस्त तक रिपोर्टिंग करवानी होगी जिन छात्रों ने अपवार्ड मूवमेंट करवाया है। अब सेकंड लिस्ट की बात आ जाती है, सेकंड लिस्ट कब आने वाली है और कितने नंबर पर सेकंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो देखिएगा यहाँ से विभाग ने कहा है कि जो प्री DLED में अपवार्ड मूवमेंट में अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रथम 3 वरीयता कॉलेज मिल गए हैं, नए कॉलेजों में रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, इसके बाद जो रिक्त सीटें हैं आगामी रिक्त सीटों पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो रिक्त सीटों पर कार्रवाई कब होगी आप सभी को पता है, 22 अगस्त है ना, ये तो है आपकी अपवार्ड मूवमेंट वालों की आपकी लास्ट डेट। अब 22 तारीख से पहले तो आएगा नहीं, लेकिन सत्र बहुत जल्दी चालू करना है तो 22 तारीख के बाद में आपके लगभग 3 से 4 दिन बाद में यानी 26 तारीख तक आपकी सेकेंड लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ये है सेकंड लिस्ट वाले छात्रों की बात। अब इसमें सेकंड लिस्ट वाले छात्र हैं जो, अब इनके लिए क्या राय कितनी हो सकती है इनकी परसेंटेज यहाँ पर, तो दोस्तों जिन जिन छात्रों की जा रही है परसेंटेज उसमें कम से कम आप जोड़ लीजिए 5 से 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर पर आपकी सेकंड लिस्ट कम आएगी। जो सेकंड लिस्ट है ना दोस्तों ये इतनी कम हो जाएगी 5 से 10 नंबर पर। अब इसमें जो छात्रों ने प्री DLED में जो रिपोर्टिंग करवाई है 22 अगस्त को इनकी क्या है यहाँ से रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। रिपोर्टिंग जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो बच्चे को जो छात्र इनमें भी अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, और 3500 छात्र तो आपके हैं ही 3500,
3502 टोटल सीटें अभी हाल ही में खाली हैं, प्लस में रिपोर्टिंग नहीं होती है। अगर ये रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये 3500 से ज़्यादा सीट भी आपकी हो सकती है, लगभग 4000 सीटें भी पहुंच सकती हैं। तो जो सेकंड लिस्ट के छात्र इंतज़ार कर रहे हैं ना दोस्तों, काफ़ी छात्रों का इसमें नंबर आने वाला है। बहुत छात्र ऐसे हैं जो इनमें सीटों के लिए बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखेगा कि प्रथम DL-ED में एक नज़र आप यहाँ पर डालिए कि आवेदन 1,43,000 ने किया है, कुल सीटें 25,970 थी। पहली लिस्ट में 24,000 को मिल गई थी, कैटेगरी के अनुसार 1853 सीटें खाली पड़ी हुई थी। 1853 थी, इसमें अपवर्ड मूवमेंट वगैरह हुआ था, इससे पहले ही कॉलेज ज्वाइन नहीं किया छात्रों ने। और यहाँ पर 3500 से ज़्यादा सीटें वर्तमान में खाली हैं, 3500 से ज़्यादा कुल सीटें 3502 हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेगा 3502 सीट खाली हैं। अभी अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट में यहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे छात्र, तो छात्र कितने सीटें ज्वाइन नहीं करते हैं प्लस में, वो भी यहाँ पर जोड़ी जाएंगी इसमें। जब ये दोनों जुड़ जाएंगी ना, तो ये आपकी 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपकी सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड लिस्ट यहाँ से आपकी जारी हो जाएगी विभाग की तरफ से। तो इस प्रकार की ये अपडेट है, अगर आपने नहीं देखी है कंप्लीट देख लेना। सेकंड लिस्ट वाले तैयार हो जाना, आपका नंबर अब ज़रूर आ जाएगा, काफ़ी सीटें बढ़ चुकी हैं इसमें। और जो भी सीट यहाँ से मिलेंगी अब छात्रों को कैटेगरी वाइज दे दी जाएंगी, तो ज़्यादातर छात्रों का इसमें नंबर अब आने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा, अपने नंबर ज़रूर बताना, ताकि यहाँ से पता चल सके कि कितने छात्रों का अब भी नंबर आ जाएगा इस लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।